हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 में से 101% क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो सबसे पहले हम देखिए प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझेंगे। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या है हमारी, The value of the determinant remains unchanged if its row and column are interchanged. यदि हम किसी भी determinants में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो determinants की वैल्यू unchanged रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने determinant लिया 2-3, 5, 6, 0, 4, 1, 5, -7, ये हमारे डिटरमिनेंट्स है। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, रो और कॉलम को चेंज करना। यदि मैं रो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो पहले हम 2 को अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिनेस -7 × 0, 0 और 5, 4 = 20। -3 - प्लस होता है तो +3 हो गया। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो फिनिश 6, 7 = 42 -4। 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिनिश 6, 5 = 30 और -0। तो क्या कहते हैं कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 22 = 40 -40 +3 -42 और -4 -46 +35 = 150। तो डेल इज इक्वल टू -40 और ±, 3 = 18, 3 = 12, 3 +150। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम -178 +150, तो आंसर हमारा -28 आता है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रो और कॉलम को चेंज करते हैं, यानी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट अनचेंज रहता है। अब सबसे पहले हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो एक न्यू डिटरमिनेंट बनती है, इसका नाम मैंने डेल वन दे दिया। तो चेंज करते हैं, देखिए फर्स्ट रो को हम कॉलम डालते हैं, फर्स्ट रो है तो ये 2-3, 5। सेकेंड रो को 6, 0, 4 और 1, 5, -7। अब चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा। डिटरमिनेंट्स इसका सॉल्व करते हैं तो फिर 2 के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिनिश -7 × 0, 0 5 = 20 -6 ये कैंसिल, ये कैंसिल, -7 × 3 = 7, 3 = 21 5, 5 = 25। इसके बाद 1 के अकॉर्डिंग करते हैं हम तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिनिश 4, 3 = 12 5 × 0, 0 तो क्या हुआ है 22 - -40 और -6 × 21 - 25 -4 और ये -12 आ गया -12। तो ये -40 और -+ 6, 4 = 24 और -12 -40 - 12 तो -52 +24 माइनस कर दो 12 से 4 गया 8 4 में 2 गया 2 तो -20। तो देखिए स्टूडेंट,
सबसे पहले हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो -28 आया, और हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तब भी इसका आंसर -28 आया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट वेरीफाई। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इफ एनी टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, तब डिटरमिनेंट की साइन चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल फिर हमने डिटरमिनेंट्स माना 2-3, 5, 6, 0, 4, 1, 5, -7, इसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे भी सॉल्व किया था मैंने, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं 2 के एक रो, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फ्रेस 7 × 0, 0, 5, 4, 20, -3, -5 होता है +3, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो फ्रेस -7, 6 तो -42 और -4, +5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फ्रेस 6, 5, 13 और 0, तब डेल क्या आ गया आपका 2 × -20, +3, -42, -4, -46 और 35 × 150, तो डेल इज इक्वल टू 20 × 40, -40, +3 = 18, 3 × 12, 30, 138, -3, +150, तो जो हमारा डिटरमिनेंट है वो -20 आएगा। लेकिन हम क्या क्वेश्चन हमारे किसी भी दो रो या दो कॉलम में आपस में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज करते हैं, ये हमारे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो मैं चेंज जो करता हूँ R1 replace R2 कर देता हूँ, R1 और R2 में चेंजिंग कर देते हैं, तो न्यू डिटरमिनेंट्स हमारी क्या होती है डेल वन इज इक्वल टू ये आपस में चेंज रहेंगे तो ये 6, 0, 4, 2, -3, 5, 1, 5, -7। अब डेल वन फाइंड करते हैं हम 6 के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिनिश 7 × 21, +21, 5, 5 × 25, 0 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो फिनिश -7, 2, -15, -5, 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिनिश 5 × 10, -3, -3, +3, तो 6, 21 - 45, -4, ये हमारा 0 रहेगा, और 10 × 3, 30, 13 × 4, 52, 6 × 4, 24, -3, +52, माइनस करेंगे तो 28 आ गया। देखिए जब हमने पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया तो -28 आया, जब मैंने आपस में दो रो को चेंज कर दिया तो उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 28 आई, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इज सेटिस्फाइड। ऐसे देखिए हमारी प्रॉपर्टी थर्ड है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल ऑल करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, यानी किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम सेम हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रहती है। देखिए से फर्स्ट रो हमारे क्या है 3, 2, 3 और सेकंड थर्ड रो भी 3, 2, 3 है, यानी R1
इज इक्वल टू आर थ्री, तो देयर फोर डिटरमाइंट इज जीरो। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जब कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है तो उस डिटरमाइंट की वैल्यू जीरो होती है। यदि हम इसको वेरीफाई करते हैं तो देखो एक्सपेंडेड कर दे लीजिए इसको, जब मैं थ्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रेफरेंस थ्री थ्री या नाइन और थ्री टू या सिक्स, ये माइनस टू हो जाएगा। तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रेफरेंस थ्री टू या सिक्स माइनस थ्री थ्री या नाइन, थ्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फ्रेंस टू टू या फोर और थ्री थ्री या नाइन, फिर क्या आता है थ्री नाइन माइनस सिक्स थ्री माइनस टू सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री प्लस थ्री फोर माइनस नाइन माइनस फाइव थ्री थ्री जा नाइन माइनस माइनस प्लस टू थ्री जा सिक्स प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन, तो नाइन और सिक्स फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन तो क्या गया जी। तो माय थर्ड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब देखिए प्रॉपर्टी फोर, प्रॉपर्टी फोर में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमाइंट इज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट एंड के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। यदि हम किसी भी डिटरमाइंट में किसी भी कॉस्ट एंड से किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट एंड इंटू डिटरमाइंट बन जाता है। जैसे मैं इसमें के से मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो में, तो जो डेल वन होगा हमने के से मल्टीप्लाई किया तो के ए वन हो जाएगा, के बी वन हो जाएगा, के सी वन हो जाएगा, ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। यदि मैं इसको सॉल्व करूं, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारा क्या रहेगा, डेल इज इक्वल टू के डेल। सॉल्व करने का क्या बनेगा, ये के इंटू डिटरमाइंट। अब देखिए प्रॉपर्टी फाइव, क्या इफ सम और एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमाइंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटरमाइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमाइंट्स। यानी हम किसी भी मैट्रिक्स को दो या दो से अधिक मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारी डिटरमाइंट्स है, इसको मैं टू डिटरमाइंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए कैसे कर सकते हैं, पहले ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, फिर ए टू बी टू सी टू, फिर ए थ्री बी थ्री सी थ्री प्लस अब लैम्डा वन के अकॉर्डिंग लैम्डा वन बी वन सी वन, लैम्डा टू बी टू सी टू, लैम्डा थ्री बी थ्री सी थ्री। इस तरह से मैंने इस डिटरमिनेंट्स को टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर दिया। जब हम अलग मैट्रिक्स में ब्रेक कर लेंगे तो फिर हम अलग मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे, तो ये आसानी से डिटरमिनेंट्स वाली सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए प्रॉपर्टी सिक्स, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमाइंट द इक्व मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द रो आर एडिड देन वैल्यू ऑफ द डिटरमाइंट्स रिमेन्स द सेम, द वैल्यू ऑफ द डिटरमाइंट रिमेन्स द सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। इसमें क्या है, हम किसी भी कॉस्ट एंड से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में किसी फर्स्ट रो में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम में भी
किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके दो कॉलमों को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि हमारा मैट्रिक्स में था जब हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते थे तो उसमें क्या था, मैट्रिक्स में यदि हमने कोई भी ऑपरेशन रो से स्टार्ट किया तो एंड तक रो में ही चलता था, कॉलम से स्टार्ट किया तो कॉलम तक ही चलता था। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं है कि कभी भी हम ऑपरेशन रो में कर सकते हैं और कभी भी ऑपरेशन कॉलम में कर सकते हैं। अब देखिए इन प्रॉपर्टीज बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 वैल्यू प्रॉपर्टीज बेस क्वेश्चंस हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडेड इन एक्सरसाइज 1-5 प्रूव दैट, यानी बिना एक्सपेंडेड किए हुए आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। जैसा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स ए एक्स प्लस के वाई बी y प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने आपको एक थर्ड प्रॉपर्टीज बताई थी, जब कभी भी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये थर्ड कॉलम क्या है हमारा x प्लस ए y प्लस बी जेड प्लस सी, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड कर देता हूँ तो देखिए थर्ड कॉलम इसका हो जाएगा। तो इसमें हम चेंज क्या करते हैं, सी वन में चेंज करते हैं सी वन प्लस सी टू, ये क्या जाएगा एक्स प्लस के ए वाई प्लस के बी जेड प्लस के सी, और सेकंड कॉलम सेम रहेगा आपका ए बी सी, और ये एक्स प्लस के ए वाई प्लस के बी जेड प्लस के सी, क्या प्रूफ करना है जीरो। अब देखिए C1 और C3 दोनों ही कॉलम सेम हैं, यानी C1 इज इक्वल टू C3, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट्स इज जीरो। ऐसी बात करते देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका a माइनस के बी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और b माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी और सी माइनस ए ए माइनस बी और b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको भी सॉल्व करना आप देखिए, यदि किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम कि सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो रहती है। यदि मैं किसी तीनों कॉलम को या तीनों रो को आपस में ऐड कर देता हूं तो देखिए सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। देखिए आर वन में हम चेंज करते हैं आर वन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अब देखिए क्या आर वन आर टू आर थ्री इन तीनों में ऐड करता हूँ तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाता है, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाता है, माइनस ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा जीरो। ऐसे ही माइनस सी से सी कैंसिल, माइनस ए से ए कैंसिल, माइनस बी से बी कैंसिल, ये जीरो, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ये भी जीरो, बी माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी सी माइनस ए ए माइनस बी बी माइनस सी, यानी सेकेंड और थर्ड रो आपकी सेम रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए ये डिटरमिनेंट भी जीरो हो गया। अब देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपका 2765 3875 5986, अब देखिए 65 है, देखिए कैसे 65 बन जाए आपका, तो 97 है 63 और 265, देखिए हम इसमें प्रॉपर्टी 6 का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 में हमने क्या बताया था, किसी भी रो या कॉलम में किसी भी कॉस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम किसी भी रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए हम सी वन में चेंज करते हैं, सी वन में चेंज करेंगे तो सी वन प्लस नाइन सी टू, तो नाइन सी टू, नाइन सेवन सिक्सटी थ्री और टू सिक्सटी फाइव हो गया, देखो नाइन एट सेवेंटी टू थ्री सेवेंटी फाइव हो गया, नाइन नाइन एट्टी वन और फाइव एट्टी सिक्स आ गया, और सी टू आपका कितने का सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एट्टी सिक्स। अब देखिए सी वन इज इक्वल टू सी थ्री, तो देयर फोर डिटरमाइंट इज जीरो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो वन बी सी ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, वन सी ए बी सी प्लस ए, वन ए बी सी ए प्लस बी। तो वन बी सी ए का डिवाइड करें बी में, तो ए बी प्लस ए सी, वन सी ए बी सी प्लस ए बी, वन ए बी सी ए प्लस बी सी। अब देखिए हम C2 और C3 को ऐड कर देते हैं, C2 में चेंज करते हैं C2 प्लस C3, तो 1 1 1 और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हमारा ए बी प्लस ए सी, और बी सी प्लस ए बी, और सी ए प्लस बी सी। अब फिर हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेंगे सी टू से, ऑन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन सी टू, सी टू में से हम क्या कॉमन लेते हैं, सी टू से मैंने कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे ही हम देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेंगे तो सी में तो कोई चेंज नहीं होगा, वन वन वन, और सी टू भी हमारा वन 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 रहेगा, और सी थ्री में भी कोई चेंज नहीं होगा, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी सी। और अभी मैंने आपको बताया था जब कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, therefore C1 is equal to C2, तो hence determinant is zero। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus S, A plus B, P plus Q, S plus Y is equal to, proof क्या करना है मुझे, टू ए पी एस बी क्यू वाई सी आर। देखिए वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि तीनों रो को या तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर लें, फिर आर माइनस आर टू जैसे भी है ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको फिट प्रॉपर्टी बताई थी उसका भी यूज कर सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट्स को हम दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि कर सकते हैं देखिए हम ये बी प्लस सी, बी प्लस सी सी प्लस ए, ए प्लस बी और क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई है। अब इसको हम दो डिटरमिनेंट ब्रेक करते हैं, पहले बी सी ए, बी सी ए क्यू आर पी, क्यू आर पी और वाई जेड एक्स,
प्लस सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। अब देखो हम इसमें क्या करें, हम क्या लाना है ए बी सी, तो ए हमारे जाना चाहिए सी नहीं चलना चाहिए, हम इन दो में इंटरचेंज कर दें, फिर इन दो में इंटरचेंज कर दें, यानी आर वन इंटरचेंज आर टू इंटरचेंज आर थ्री। इसी तरह से मैं इसमें भी चेंज करता हूँ आर वन इंटरचेंज आर टू इंटरचेंज आर थ्री, तीनों रो में हम आपस में चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और ये भी सेम रहेगा ए बी सी और पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो टू ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। अब देखिए क्वेश्चन सिक्स है, ये भी आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। मैंने तो इसको ए इज इक्वल टू मान लिया। अब देखिए पहले हम ट्रांसपोज कर लेते हैं रो में, इसका क्या करता हूँ ट्रांसपोज, एंड रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देता हूँ, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, तो क्या बनेगा देखिए जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। अब क्या करता हूँ मैं ऑन टेकिंग माइनस कॉमन, ऑन टेकिंग माइनस कॉमन या और मल्टीप्लाई माइनस वन, दोनों से कुछ पूछते हैं ए इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे हम तो जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी प्लस बी प्लस सी जीरो। अब देखिए ये जो डिटरमिनेंट है सेम डिटरमिनेंट बन गया, तो इसको मान सकते हैं ए, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए, इसको धले के आएंगे हम तो ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, टू ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो।